बुरहानपुर 14 करोड़ की लागत से निर्मित पंडित शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं छात्रावास के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण मध्य प्रदेश शासन में महिला एवं बाल विकास कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी एवं आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जालम सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने की। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देखिए एक रिपोर्ट। पहले आयुष इकट्ठा था, बाद में अलग हुआ और ये समय ये तब का निर्णय है जब अनूप मिश्रा जी के पास में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों थे, तब आयुष अलग विभाग नहीं हुआ करता था। और ये वो अगर होता है तो हमारे पास में चाहे हम हमारे पास एलोपैथी कॉलेज नहीं होगा, पर हम ये कह सकेंगे कि खंडवा में अगर एक एक मेडिकल कॉलेज है तो बुरहानपुर में दो दो है, आयुर्वेद वाला भी और होम्योपैथी वाला भी। मुझे लगता है कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज तो जीवन में भर इसको याद रखेंगे, अगर वो डायरी रखते होंगे तो, कि मुझसे अधिक परेशान उनको किसी ने नहीं किया होगा। और मैं प्यार से भी कहती थी, मैं थक के भी कहती थी, मुझे बहुत जल्दी भी रहती थी और मुझे लगता था कि इतना बड़ा हमने करोड़ों रुपए का बिल्डिंग बना ली। हमारी मान्यता इसलिए खत्म हुई क्योंकि जमीन नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी, शिक्षकों की हमने अपॉइंटमेंट करी थी और 2013 में इस कॉलेज के लिए जमीन का अलॉटमेंट हुआ पहली बार। फिर एक एक करके पहले इसका हॉस्पिटल, फिर इसका कॉलेज, दोनों का हमें सैंक्शन मिला। फिर पैसा कम पड़ा तो रिवाइज एस्टिमेट आपने भेजा और 2 करोड़ रुपए आपको फाइनेंस ने दोबारा दिया, जिसके लिए मैं अपने वित्त मंत्री मल्लैया जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का इतना छोटा सा बजट है, उस छोटे से बजट में से भी आपने बुरहानपुर को लाइन शेयर दिया, तब जाके आज वो स्थितियां खड़ी हुई।